गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने देखा हेटरोट्रॉफ्स 10 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हाँ, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और हमारा जो टॉपिक है दैट इज फोटोसिंथेसिस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो देखिए, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होती हैं वो अपना खाना खुद बनाती हैं। किसकी हेल्प से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि हाँ, गैस और वाटर से। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। इसके साथ साथ दो चीज़ें और चाहिए। पहला, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दूसरा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज़ द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। जो पत्तियां होती हैं वो हरी इसलिए होती हैं क्योंकि उस पर ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, और उसी ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। सही है? तो ये आपको नहीं राइट करना है। आपको जो राइट करना है, हेडिंग आप डालेंगे, उसके बाद आप डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक राइट करेंगे। देखिए, द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी हेल्प से जितने भी ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज हैं वो अपने खाना खुद बनाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट, सनलाइट। दूसरा होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग, किसी चीज़ को बनाना। जब वो लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए, ये कर लेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये रिएक्शन जरूर लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है? क्या लिखेंगे? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कब? सनलाइट होना चाहिए और उसके साथ साथ क्लोरोफिल होना चाहिए, तो दोनों यहां पे लिख देंगे एरोहेड पे। फिर उससे क्या मिलता है उनको? ग्लूकोज। और क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो देखिए, ऑक्सीजन जो वो बाहर छोड़ते हैं वो हमारे काम आ जाता है, हम ब्रीथ इन कर लेते हैं, और ग्लूकोज वो अपने खाने के तौर पे यूज करते हैं। अगर वो खाना एक्स्ट्रा बन जाता है तो उसी ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। जब हम कोई भी प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो हम कहते हैं उससे बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। रीज़न यही है कि जब वो प्लांट्स और ट्रीज एक्स्ट्रा फूड हो जाता है तो उसको स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। और जब हम वो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, तो उसके साथ साथ वो स्टार्च हमारे अंदर चला जाता है और वो हमें न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है? देखिए, खाना किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिलता होगा? एटमॉस्फेयर से, हाँ, हवा से। दूसरा, वाटर कहाँ से उनको मिला होगा? मिट्टी से, फ्रॉम द सॉयल। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CO2। क्या होता है? CO2। वाटर का जो होता है दैट इज H2O। अब देखिए, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और वाटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। और क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है O2, और वो भी कितना मिलता है? 6 टाइम्स। वो तो हम आपको याद करा देंगे, लेकिन आप एक बार दो बार इसे प्रैक्टिस करेंगे आपको हो जाएगा। आइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कराते हैं। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, और क्या चाहिए होता है उनको? वाटर। फिर यहाँ पर उनको सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए उनको? हाँ, क्लोरोफिल चाहिए। देखिए, क्या दे बनाते हैं वो? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन गैस। फिर हमने कहा था आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से यहाँ पे, 6 से यहाँ पे, और 6 से ही यहाँ पर। ध्यान रहे, जो ग्लूकोज है उसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सही है? समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट देखिए।
ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, प्लांट्स दस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. इस तरह से प्लांट जो होते हैं वो सोलर एनर्जी यानी कि जो सनलाइट है उसको वो केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं. दिस सिंथेसाइज फूड, ये जो उनका बनाया हुआ खाना है, बनाता कौन है? लीव्स, पत्तियाँ. इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ट्री. उसके बाद वो हर एक पार्ट में उस प्लांट के या ट्री के हर एक हिस्से में, चाहे वो रूट हो या सूट हो, हर जगह उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ये बात कुछ ऐसे ही है, घर पे खाना मम्मी बनाती हैं, लेकिन खाना सिर्फ मम्मी थोड़ी खाती है, खाना तो सभी लोग खाते हैं. हाँ, वही चीज़ है. नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उनको क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट, वो तो उनको आराम से मिल जाता है. और क्या चाहिए? वाटर. वाटर कहाँ से मिलता है? रूट से. लेकिन सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेते हैं? वो गैस लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से. लेकिन वो गैस उनके अंदर कैसे जाता है वहाँ? यानी कि जैसे कि हमारी स्किन में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसी तरह से जो लीव्स होती हैं पत्तियाँ, उसमें भी काफ़ी छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ते. उन होल्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. द स्टोमेटा आर रिप्रेजेंटेड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स. और वो कहाँ होते हैं? पत्तियों के अंदर. वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू देयर रूट्स. और उनको वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? रूट से. ये रहा आपका पूरा प्रोसेस. नेक्स्ट हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस किस किस बात पर डिपेंड करेगा? पहला, फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दीज आर, जिसमें पहला है हमारा लाइट की इंटेंसिटी. एज द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली. यानी कि जैसे जैसे लाइट का अमाउंट बढ़ता है, वैसे वैसे जो उनके खाना बनाने की स्पीड होती है यानी फोटोसिंथेसिस होती है, वो भी बढ़ता रहता है. यानी कि आप कह सकते हैं कि ठंडी के दिनों में और गर्मी के दिनों में, अगर आपसे कोई पूछ ले किन दिनों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज़्यादा तेज होता है, तो आप कह सकते हैं दैट इज इन समर सीजन. रीजन बहुत क्लियर सा है, क्या होगा? क्योंकि समर सीजन में धूप ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे धूप का अमाउंट बढ़ता है फोटोसिंथेसिस भी फास्ट होने लगती है. एट अ हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटिंग. जब एकदम हाई टेम्परेचर हो जाता है तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहा होता है. लिमिटिंग का मतलब हो गया मैक्सिमम, अब उससे ज़्यादा तेज वो काम नहीं कर सकता. दूसरा, नेचर ऑफ द लाइट. ये किस पर डिपेंड करेगा? लाइट के नेचर पे. द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द विजिबल लाइट्स आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर द फोटोसिंथेसिस. इफ द लाइट ऑफ सम अदर कलर्स इज मेड टू फॉल ऑन द प्लांट्स, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस. अब देखिए, इतना तो आपको पता है जो लाइट होती है कलर की, सॉरी जो कलर होती है लाइट की, हमें जो देखने को मिलता है दैट इज वाइट, लेकिन एक्चुअल में वो 7 कलर से मिलके बनी होती है. कितने? 7. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये आपके साइंस में एक चैप्टर होगा लाइट, जब हम उसको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझाया जाएगा. अभी तक आप मान के चलिए जो भी व्हाइट कलर की लाइट होती हैं वो 7 कलर से मिलकर बनी होती हैं. अब देखिए, अगर उसमें से ब्लू और रेड वाली लाइट प्लांट्स और ट्रीज को मिलती हैं तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड अच्छा रहता है यानी फास्ट होता है. अगर उनको छोड़ के, यानी कि ब्लू और ये रेड, इनको छोड़ के, चाहे वो ऑरेंज हो, येल्लो हो, ग्रीन हो, वायलेट हो या इंडिगो हो, अगर ऐसी लाइट पड़ती है तो उस केस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है. थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. पुअर एबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लोअर्स द एक्सटेंट और रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड ही कम मिले या वाटर कम मिले तो बताइए खाना तेज बनेगा कि स्लो? हाँ, स्लो बनेगा. नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर. यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन बट अफेक्ट द डार्क रिएक्शन मार्कडली. द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द फोटोसिंथेसिस वैरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट.
अब ये जो टेम्परेचर के बढ़ाने से कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जिनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बढ़ जाती हो, कुछ ऐसे भी प्लांट्स और ट्रीज हो सकते हैं जिनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो जाती हो, घट जाती हो। तो ये फिक्स नहीं है, ये अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग केस होता है। नेक्स्ट देखिए, इन एडिशन टू दिस फैक्टर्स द इंटरनल फैक्टर्स सच एज एज ऑफ द लीफ, क्लोरोफिल लेवल इन द लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ ऑल्सो एक्सेप्ट फोटोसिंथेसिस। अब जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी आज से 25 साल बाद बूढ़ी हो जाएंगी, तो क्या वो उतनी स्पीड से खाना बना सकती हैं जितनी स्पीड से आज बना रही हैं? नहीं। तो वैसे ही जो लीफ है वो खाना बनाते हैं, अगर वो लीफ बहुत ज़्यादा दिन के पुराने हो गए हैं तो उस केस में फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का लेवल। अब मान लीजिए जो खाना बना रहा है उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो क्या वो खाना तेज़ी से बना सकता है? फिर से नहीं। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी लेवल कम है। उसी तरह से जब अगर क्लोरोफिल का अमाउंट धीरे धीरे कम होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। अब वो डिपेंड करता है लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीज़ों पे भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है? तो आप अपनी नोटबुक में 1, 2, 3 ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लेंगे। पीछे डेफिनेशन हमने लिखा दिया, रिएक्शन लिखा दिया, अब आप इतना कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।